हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसी बातें जो आप शायद नहीं जानते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में, जिसको कंडक्ट करवाता है NVS। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जो आप इन विद्यालयों के बारे में नहीं जानते हैं, और मेरा पूरी उम्मीद है मेरी कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप बच्चे हैं जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका भी मन करेगा कि मैं भी नवोदय विद्यालय में पढूं। अगर आप बड़े हैं तो आपके भाई बहन या आपके बच्चे का आपका मन करेगा कि आप उनका जो दाखिला है वो इन विद्यालय में करवाओ। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या ऐसी बातें हैं जो नवोदय विद्यालय को एक अलग स्पेशल विद्यालय बनाती हैं और क्यों ये स्कूल खोले गए हैं। तो हम इस वीडियो में 20 ऐसे फैक्ट्स को जानेंगे जो शायद आपको नहीं पता होगा, और ऐसे कई सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे जो अक्सर आपके मन में नवोदय विद्यालय को लेकर आते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय ये एक रन किया जाता है नवोदय विद्यालय समिति द्वारा NVS, जिसकी वैकेंसी निकलती है टीचर की, TGT आपकी जो है, आपकी जो 6 से लेकर 8 और आगे भी जो आपकी PGT की हैं वो वैकेंसी आपकी यहाँ पर निकलती है TGT और PGT की। प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है वो भी आके आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो जवाहर नवोदय विद्यालय जो है बेसिकली नवोदय विद्यालय समिति रन करती है, और ये समिति एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये बॉडी आती है, जिसको हम कहते हैं NVS। तो दोस्तों, स्कूल्स ये बेसिकली 6 क्लास से 12th स्टैंडर्ड तक के होते हैं। ये स्कूल्स जो बात हम कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की, इसीलिए फर्स्ट से 5th क्लास यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए कोई भी वैकेंसी NVS नहीं देता है, क्योंकि JNU में यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में फर्स्ट से लेकर 5th तक की क्लास नहीं होती है। बच्चे इसमें 6th क्लास से ही एडमिशन ले पाते हैं, वो एक एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा। द ओनली स्टेट विदाउट ए JNV इज तमिलनाडु। लगभग हर राज्य में, इंडिया के हर राज्य में आपको जवाहर नवोदय विद्यालय मिल जाता है। एकमात्र स्टेट सिर्फ तमिलनाडु है जहां पर कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है। एन एंट्रेंस एग्जाम जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट इज कंडक्टेड बाय CBSE एनुअली फॉर एडमिशंस टू JNVs। जो एंट्रेंस एग्जाम है जवाहर नवोदय विद्यालय का, सिलेक्शन बेस्ड टेस्ट होता है, ये CBSE द्वारा कंडक्ट किया जाता है। हर साल कंडक्ट किया जाता है JNV में एडमिशंस के लिए। ये इसका एग्जाम अप्रोक्सीमेट फेब में होता है और नवंबर दिसंबर में इसके एग्जाम निकलते हैं। आप अगर 5th क्लास में है तो, बच्चा 5th क्लास में है तो ये फॉर्म फिल कर सकता है, 7th क्लास में है तो फिल कर सकता है, 9th क्लास में है तो फिल कर सकता है, यानी कि आप 5th, 8th और 10th में आप इस स्कूल में एंट्री ले सकते हैं। All JNV lays immense emphasis on sports। जो सभी के सभी जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, स्पोर्ट्स पर उनका बहुत ज्यादा फोकस रहता है। वो कम से कम 2 घंटे डेली देते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए, ताकि बच्चे का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बना रहे। मैक्सिमम 80 स्टूडेंट्स गेट एडमिशन टू क्लास 6 पर ईयर इन JNV। हर साल मैक्सिमम 80 स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है 6 में। ये संख्या बढ़ाई घटाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है बेसिकली। इन JNVs 75% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द रूरल एरिया स्टूडेंट्स एंड 25% फॉर अर्बन एरिया स्टूडेंट्स। जो जवाहर नवोदय विद्यालय में सीट्स होती हैं, उसमें से उसका 75% भाग रिजर्व होता है ग्रामीण एरिया के स्टूडेंट्स के लिए, और 25% एरिया, 25% जो सीट्स हैं वो आपकी रिजर्व होती हैं अर्बन एरिया स्टूडेंट्स यानी कि शहरी के लिए। 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर गर्ल स्टूडेंट्स। जितनी सीट बची आप उसमें, जो सीट है आपकी, उस सीट में से 1/3 सीट्स आपकी गर्ल्स यानी कि लड़कियों के लिए रिजर्व होती हैं।
एंड देर इज ए 3% रिजर्वेशन फॉर डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स। और जो 3% का रिजर्वेशन होता है वो होता है डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट जवाहरलाल नवोदय विद्यालय कहाँ खोला गया था? ये खोला गया था अमरावती में, अमरावती है महाराष्ट्र में, 1985 में। स्टूडेंट्स आर अकोमोडेटेड इन 4 हाउसेज। जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको 4 हाउसेज में बांटा जाता है, जैसे कि हमारे स्कूल्स में भी बांटा जाता है हाउसेज, या तो हम कलर कोड से बांट देते हैं, रेड येलो ग्रीन ब्लू इस तरीके से, या फिर हम किसी और तरीके से महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं अपने स्कूलों में हाउसेज को। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में जो हाउसेज होते हैं, बेसिकली आप उसको हॉस्टल भी कह सकते हैं, 4 भागों में बटे होते हैं, अरावली, नीलगिरी, शिवालिक, उदयगिरी। ये चारों के चारों नाम माउंटेन रेंजेस के हैं जो इंडिया से ही बिलोंग करती हैं, इनके नाम पर ही हाउसेस का नाम रखा गया है। जेएनवी लेज एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन लिंग्विस्टिक एबिलिटीज, इट एंश्योर स्टूडेंट्स लर्न एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस। जेएनवी का फोकस होता है अब बाकी और भी एबिलिटीज पे, और जेएनवी एंश्योर करता है कि स्टूडेंट्स कम से कम 3 लैंग्वेज सीखे, हिंदी, इंग्लिश या कोई और अन्य लैंग्वेज, कोई भी 3 लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए बेसिकली। जेएनवी हैज एन इंटरनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय इंटरनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलाता है। उसके तहत क्या होता है कि हर साल 9th स्टैंडर्ड से 30% स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है और उनको एक्सचेंज किया जाता है जेएनवीज में ही, जवाहर नवोदय विद्यालय में ही, नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन से हिंदी स्पीकिंग रीजन में 1 साल के लिए। जेएनवी हैज अ यूनिक आर्ट इन एजुकेशन प्रोग्राम। जो एजुकेशन प्रोग्राम है उसमें एक यूनिक आर्ट है, उसका एक अलग ही कल्चर है, जहाँ पे स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देना है, आपकी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, आपकी डिसिप्लिन पे भी आपको ध्यान देना है, आपकी लैंग्वेज भी वो देख रहा है। तो ओवरऑल एक जो है आपका एक अच्छा सिटीजन बनाना जेएनवी का फर्ज है। Eminent personalities from the fields of literature, arts, theatre, and sciences come to interact with the students who are given training in traditional art forms under the tutelage of traditional gurus and contemporary artists and experts. Eminent personality, जो जानी मानी विख्यात personality है वो चुनी जाती है literature के लिए, arts के लिए, theatre के लिए, sciences के लिए, भिन्न भिन्न cultures के लिए basically, जो बच्चों को train करते हैं और contemporary artists, experts, traditional gurus उनको मिलते हैं। The implementation of Samsung Smart Lab has brought a technological sea change in the way teaching is done in many JNV schools. अब JNV schools में लगभग हर एक school में Azuset एक smart class के through पढ़ाया जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा feature है modern education में। They have a dedicated matrimonial section for JNV staff, which aims at facilitating marriage within themselves. JNV staff का एक डेडिकेटेड मेट्रोमोनियल सेक्शन भी है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मेट्रोमोनियल सेक्शन, जहां पे उनका एम होता है कि जो मैरिज है वो आपस में ही स्टाफ में हो। पूरा एक गजट निकलता है, एक पूरा प्रिंटेड डॉक्यूमेंट जहां पे पूरी डिटेल दी जाती है, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, पूरी डिटेल्स, जैसे कि हम मेट्रोमोनियल में देते हैं सेम उसी तरीके से स्टाफ की डिटेल्स इसमें दी जाती है। The percentage of students in JNV belonging to SCST category is well above national norms. जो percentage है, हमने अभी तक जब reservation की बात की, तो हमने reservation की बात की urban areas की, rural areas की, girls की और disabled person की। हमने कहीं भी SC या BC category के लिए reservation की बात नहीं की। JNV में, जवाहर नवोदय विद्यालय में SC कैटेगरी की वेल अबोव नेशनल नॉर्म्स होता है, जितना कि हमारा नेशनल नॉर्म्स है उससे भी ज्यादा कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC और ST कैटेगरी से। जेएनवी आर ओनली स्कूल्स इन इंडिया व्हिच प्रोवाइड फ्री एजुकेशन इंक्लूडिंग बोर्डिंग, लॉजिंग एज वेल एक्सपेंसेस ऑन यूनिफॉर्म्स, टेक्स्ट बुक, स्टेशनरी एटसेट्रा गिवन टू द स्टूडेंट्स। जेएनवी एक एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां पर फ्री एजुकेशन मिलती है, चाहे वो आपका बोर्डिंग है, लॉजिंग है, यूनिफॉर्म के एक्सपेंसेस है, टेक्स्ट है, बुक्स है, स्टेशनरीज हैं जो स्टूडेंट्स को दी जाती है। हालांकि
अब जेएनवी ने कुछ नॉमिनल चार्जेस लेना शुरू कर दिया है जो आप 9th के बाद देते हैं, और कुछ ने 6th के बाद भी शुरू कर दिया है। जेएनवी स्पेसिफिकली एम्स एट प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू टैलेंटेड रूरल चिल्ड्रन विद इन ए रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम। जेएनवी का जवाहर नवोदय विद्यालय का स्पेसिफिकली जो एम रहता है वो होता है कि जो रूरल चिल्ड्रन है बेसिकली जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको एक रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम प्रोवाइड हो, यानी कि वो वहीं पे रहते हैं, वहीं पे पढ़ते हैं, सारे जो दिनचर्या उनका वहीं पे रहना खाना होता है, और उनको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले जो कि टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। इसीलिए जेएनवी में सिलेक्शन टेस्ट होता है और उसके बाद ही बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है आगे की शिक्षा के लिए। हम ही नवोदय हैं, ये एक प्रेयर सॉन्ग है जेएनवी का, हम ही नवोदय हैं। वहां पर जो प्रेयर होती है वो का नाम है, ये उसका शीर्षक है हम ही नवोदय हैं। इस सॉन्ग की प्रेयर सॉन्ग है ये जेएनवी का जवाहर नवोदय विद्यालय का। आप देख सकते हैं इस तरीके से हॉस्टल्स होते हैं जहां पे बच्चे रहते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। सुबह मॉर्निंग 5 बजे से, सुबह 5 बजे से आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है बच्चों के रूटीन्स, उठना, उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, टाइम पे खाना, टाइम पे पहनना, टाइम पे खेलना, टाइम पे पढ़ना, सारी चीजें। उनका जो एक डिसिप्लिन होता है वो आप कंपेयर कर सकते हो कि जैसे आर्मी मैन का एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, उसी तरीके से ये बच्चे यहाँ पर डिसिप्लिन बन जाते हैं। और लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल होता है, लड़कों के लिए अलग हॉस्टल होता है। एक टीचर इनको हमेशा सुपरवाइज करता है सुबह से लेकर शाम तक। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स से हमारे जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय को लेकर। आप लोग एनवीएस की तैयारी जरूर कर रहे होंगे, टीजीटी, पीजीटी, उसके जो फॉर्म्स निकलते हैं आप उसके लिए जरूर से जरूर तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके मन में अभी भी और बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं। तो ये थी बच्चों की बातें, स्कूल से रिलेटेड बातें। लेकिन क्या टीचर्स को भी वहां पे 24 घंटे की जॉब करनी पड़ती है? क्या टीचर्स को रहने की फैसिलिटी मिलती है? क्या टीचर्स को बच्चों को सुपरवाइज करवाना पड़ता है? क्या फैसिलिटीज मिलती हैं कैनवीएस के टीचर को? या फिर कुछ ऐसे सवाल इससे रिलेटेड ही जो और सवाल आपके मन में उठ रहे हैं, तो उसका भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे इसी टॉपिक पर। सबसे पहले मैंने सोचा कि आप एनवीएस टीचर के बारे में जानने से पहले उसको क्या बेनिफिट्स, क्या फैसिलिटी मिलती है, आप वो चीज समझें, वो स्कूल के बारे में समझें जहां पर आप टीच करने वाले हो। ये एक थम रूल होता है कि जहां पर भी जो भी आप काम करने जा रहे हो सबसे पहले उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सपोज अगर आप घूमने भी जा रहे हो तो आप पहले उस जगह के बारे में जानते हो, गूगल करते हो, पूछते हो किसी से, हर तरीके से आप नॉलेज लेने की कोशिश करते हो कि कहाँ पर क्या देखने लायक है, कैसे हम जा सकते हैं, कितना खर्च होगा, सारी चीजें। सेम उसी प्रकार से अगर आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी हमारी तरफ से, और एक यूनिक वीडियो हमने लाने की कोशिश की है। अगर आप चाहते हैं आगे भी हम ऐसे ही वीडियो लाएं तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रूरल बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। तो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक, उन माता पिताओं तक ये वीडियो पहुंच सके जहाँ पर ये फ्री ऑफ एजुकेशन बेसिकली मिलती है, नॉमिनल चार्जेस पे उनका रहना खाना, उनकी जिंदगी सवर जाती है, डिसिप्लिन एरिया हो जाता है, डिसिप्लिन स्टूडेंट्स बन जाते हैं। तो आप, ये वीडियो आपके लिए थी, अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके लिए एनवीएस टीचर के बारे में लेके सारे के सारे सवाल, जो भी सवाल अब आपके मन में उठ रहे हैं एनवीएस टीचर को लेकर, फटाफट से हमें कमेंट सेक्शन में लिख डालिए ताकि हम जल्दी से जल्दी उन कमेंट्स को कंपाइल करके एक वीडियो आपके लिए लेकर आए। तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही ऐसी वीडियो और आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये हमारी नई पहल आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।